92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी मैं पत्नी हूं प्रेमिका नहीं, बिना किसी एड ब्रेक के। रमन आज ऑफिस जल्दी पहुंच गया था। गेटकीपर मोगा सिंह ने रमन को देखा तो मुस्कुरा दिया। मेम साहब से झगड़ा हुआ क्या साहब, इतना जल्दी आ गया? अभी तो ऑफिस में झाड़ू पोछा चल रहा है। ऑफिस के हर छोटे बड़े आदमी से रमन की अच्छी दोस्ती है। वो किसी से भी हंस बोल लेता है। यही वजह है कि आज गेटकीपर ने रमन से मजाक कर लिया। रमन ने बात को हंसी में टालते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, मैंने सोचा ऑफिस पहुंच के जान बचाई जाए। दोनों हंसती है, पर इस हंसी के पीछे कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी हुई थी। पिछले 3 महीनों से रमन अक्सर ऑफिस जल्दी ही तो आ जाता है। रेखा तो सो के उठ भी नहीं पाती। रमन चाहता भी कहां है कि उसके सामने उठे। न रेखा उठेगी और न रमन को उसका सामना करना पड़ेगा। ऑफिस खुलने में अभी टाइम था, कम से कम 15 मिनट का। गेटकीपर की ड्यूटी भी चेंज हो गई थी। मोगा सिंह ने रमन से कहा, साहब चाय पीने चलोगे? कल आपको बहुत याद कर रहा था चाय वाला। मुंबई शहर की अजीब ही कैफियत है। लोग यहां एक दूसरे को नाम से ज्यादा काम से जानते हैं। इस चाय वाले से चाय पीते हुए कितना टाइम हो गया, पर अभी तक इसका नाम नहीं पता। सब लोग चाय वाला के नाम से ही जानते हैं। चाय वाले ने रमन को देखते ही कहा, कहां रह गए साहब, दिखाई नहीं देते? अरे बस थोड़ा सा बिजी हो गया था यार। चाय के साथ क्या लेंगे साहब, ब्रेड ऑमलेट बना दूं? चाय वाले के शब्द रमन के कानों में जमी यादों की परत को खुरचने लगे। एक बार रेखा ने उससे पूछा था, रोज रोज ब्रेड ऑमलेट खा के तुम ऊब नहीं गए? आज से बाहर मत खाया करो, नाश्ता मैं बना दूंगी। रमन ने हिचकिचाते हुए कहा था, अरे रहने दो, क्यों परेशान होती हो, मैं रोज ही खाता हूं, आदत हो गई है। रेखा ने जबरदस्ती पराठे पैक करके रमन को दे दिए थे। उस दिन से खाने का टिफिन भी रमन के साथ आने लगा था। रमन अपनी जिंदगी में किसी की भी दखल नहीं चाहता था, सिवाय नीलू के। या यही वजह थी कि वो शादी से बचता रहा था। मां और बाबूजी का ख्याल ना होता तो वो ये शादी कभी नहीं करता। कितनी तो सुंदर है रेखा, घर को उसने ऐसे संवारा है जैसे कोई अपने बच्चे को संवारता है। फिर भी रमन को घुटन होने लगी थी घर में। रेखा से कभी खुल के बात ही नहीं कर पाया वो। इस रिश्ते से वो क्या चाहता है उसको खुद भी साफ साफ नहीं पता था। अभी शादी को केवल 1 साल बीता था, पर उदासी की एक चादर छा गई थी इस रिश्ते पर। कब वो चादर पूरी तरह से ढक जाए और कब ये रिश्ता बुझ जाए, न रमन को पता था न रेखा को। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रमन और रेखा की शादी को 1 साल ही हुआ है, पर उनके रिश्ते में खटास आ गई है। कुछ महीनों से रमन और रेखा के बीच बहुत कम बातचीत होती है। रमन आज जल्दी उठ के ऑफिस आ गया था। ऑफिस अभी खुला भी नहीं था, इसलिए वो चाय पीने चला गया। अब आगे, अभी रमन चाय खत्म भी नहीं कर पाया था कि उसका मोबाइल बजा। रमन ने चाय बेंच पे रखते हुए अपने दाएं हाथ को शर्ट की जेब में डाल के मोबाइल निकाल लिया। रेखा का नाम मोबाइल स्क्रीन पे चमक रहा था। रमन ने फोन उठाया। हाँ रेखा, बोलो। आप आज फिर जल्दी निकल गए? अरे वो कुछ काम था, सोचा तुमको क्यों परेशान करूं। ये कहते वक्त रमन की जबान लड़खड़ा गई। अरे मुझको रात में बता देते तो मैं जल्दी उठ जाती। नाश्ता तो आपने कर लिया होगा, मैं खाना सोनू के हाथ भिजवा दूंगी। सोनू रमन की कॉलोनी का चौकीदार था, जो बख्शीश देने पे रेखा के छोटे मोटे काम कर देता था। देखो रेखा, तुम क्यों? रमन आगे कुछ कह पाता कि फोन कट गया। रमन ने मोबाइल बेंच पे रखा और दोनों हाथों से अपना सर पकड़ के बैठ गया। एक सनसनी सी दौड़ गई थी उसके दिमाग में। बेचारी रेखा का क्या दोष है? वो तो बहुत कोशिश करती है कि रमन को खुश रख सके, और एक रमन है कि रमन का मन किया कि वो रेखा को पकड़ के कह दे, रेखा ऐसा मत करो, क्यों भाग रही हो मेरे पीछे, ना तो मैं तुमको खुशी दे पा रहा हूं और ना अपने आप को, और एक तुम हो कि चुपचाप मेरे लिए परेशान होती रहती हो।
मैं तुमको परेशान भी नहीं देख सकता और परेशान होने से रोक भी नहीं सकता। पर यह सब उसने अपने मन में ही कहा था। रेखा से बात करने की हिम्मत कहां थी उसमें। रमन को लगा कि बस उसका सर अब फट जाएगा। उसने अपने हाथ की पकड़ और तेज कर दी। तभी एक आवाज आई, साहब सब ठीक तो है ना? मोगा सिंह की आवाज थी। आई एम ओके, रमन ने बाल सही करते हुए कहा। पर कुछ भी तो ओके नहीं था। रेखा का उदास चेहरा हमेशा रमन को घूरता हुआ दिखाई देता था। उसने अगर शादी से पहले थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो कम से कम रेखा को यह दिन तो ना देखना पड़ता। वो तो न जाने कितने सपने लेके आई थी यहां। ऐसा उसने सिर्फ अपने लिए तो नहीं किया था, और रमन ने भी तो कोशिश की थी साथ निभाने की। पर रिश्ते कोशिश से नहीं बनते, ये बात उसको समझ में आ गई थी। नीलू के साथ तो उसको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी थी। नदी की धारा की तरह बहता था वो रिश्ता, और नदी की धारा को कोई पकड़ नहीं सकता। यही हुआ था रमन के साथ। एक तरफ नीलू थी जो साथ होते हुए भी साथ नहीं थी, और दूसरी तरफ रेखा थी जिसके साथ रह के भी रमन अकेला था। और जब इंसान अकेला होता है तो उसको अपनों की याद आ ही जाती है, जैसे रमन को नीलू की याद बिना दस्तक दिए आ गई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी है रमन, रेखा और नीलू की। शादी के एक साल बाद भी रेखा और रमन के रिश्ते गहरा नहीं पाए थे। पिछले कुछ महीनों से तो रमन कटने लगा था रेखा से। आज ऑफिस से बाहर बैठे अकेले चाय पीते वक्त जब रेखा के फोन ने उसका पीछा किया तो वो अपने आप को गुनहगार मान रहा था। न रेखा को खुश ही रख पा रहा था और न उसको दुखी देख पा रहा था। जिंदगी में जो जगह उसने अपनी प्रेमिका नीलू को दे दी थी वो रेखा को नहीं दे पा रहा था। देता भी कैसे, पत्नी पत्नी होती है, प्रेमिका प्रेमिका। अब आगे। ऑफिस अपने टाइम से ही खुला, काम भी टाइम से ही शुरू हुआ और टाइम पे खत्म। पर रमन अब भी कंप्यूटर में सर घुसाए काम किए जा रहा था। एक एक करके ऑफिस की हर डेस्क की लाइटें बंद होती गईं, सिवाय रमन के डेस्क के। रमन ने चारों तरफ नजर डाली, अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। एसी के घरघराने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जब ऑफिस में लोग होते हैं तो यह आवाज न जाने कहां छुप जाती है, जैसे मौके की तलाश में हो और मौका पाते ही बाहर निकल आती है। ऐसे ही तो नीलू की याद है, दिन के कितने ही खामोश पलों में अचानक बाहर निकल आती है, जैसे कोई जिन बोतल से बाहर आ गया हो। रमन की नौकरी लगी ही थी जब नीलू से उसकी मुलाकात हुई। रमन जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे मुंबई चला आया था रामपुर से। मुंबई में न तो उसका कोई दोस्त था न ही सगा संबंधी। वैसे तो मुंबई एक घनी आबादी वाला शहर है, भीड़ यहां हर जगह मिल जाएगी, और मिल जाएंगे उस भीड़ में तन्हा जीते हजारों लोग। रमन भी उन तन्हा लोगों में से एक था। एक दिन ऑफिस के बाद रमन जल्दी घर पहुंच गया। थका इतना था कि बिस्तर पर लेटते ही उसको नींद आ गई। नींद आई तो थकान की वजह से थी, पर गई भूख की वजह से। भूख के मारे रमन उठ बैठा। घड़ी देखी तो रात का 1 बजा था। क्या मिल सकता है इतनी रात में? नहीं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब दे दिया। अकेला आदमी और कर ही क्या सकता है। सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं, इसलिए रमन अन्ना की चाय की रेहड़ी की ओर बढ़ गया। कुछ ना हुआ तो चाय ब्रेड ऑमलेट तो खा ही लेगा। अन्ना की दुकान पे पहुंच के रमन ने कहा, अन्ना एक चाय और एक ऑमलेट चार ब्रेड के साथ। साहब चाय बने कैसे, आज बिल्ली दूध गिरा गया, और आपको तो पता है कि मंगल को मैं अंडा नहीं बनाता साहब। दूध का डिलीवरी ना लेना होता तो अब तक रेहड़ी बंद हो जाता। रमन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक लड़की जिसने तंग जीन्स पे एक सफेद टी शर्ट पहन रखी थी अन्ना से बहस करने लगी। क्या दादा, कुछ तो होगा, कुछ करो ना, मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। मैं क्या करूं, बोला ना मैं मंगलवार को अंडा नहीं बनाता। अन्ना का जवाब सुनके उस लड़की ने अन्ना से कहा, दादा आपके पास अंडे हैं ना? हैं तो, पर बोला ना। लड़की ने बात बीच में ही काट दी। तो सुनिए ना, आप कुछ मत कीजिए, मैं खुद ही बना लूंगी।
और बर्तन भी खुद ही साफ करके रख दूंगी, पैसे आप पूरे ले लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। उस लड़की ने यह पूरी बात एक सांस में कह डाली। अन्ना को मना करते नहीं बना। देखते देखते वो लड़की अंडों की ट्रे बाहर ले आई और ऑमलेट बनाने में जुट गई। रमन की भूख उसको ललकारने लगी थी। अरे कुछ तो कर, देख ये लड़की भूख के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। काश रमन को भी ऑमलेट बनाना आता होता तो वो भी अन्ना से अंडे मांग लेता। फिलहाल तो उसने उस लड़की की तरफ ललचाई निगाहों से देखा और कहा, मैडम आप मेरे लिए ऑमलेट बना देंगे क्या? प्लीज देखिए मना मत कीजिएगा। उस लड़की ने रमन को एक नज़र देखा और अंडा बोल में डालते हुए कहा, ठीक है, और मुझको मैडम मैडम मत बोलो, मेरा नाम नीलू है। ऑमलेट के लिए प्याज काटते हुए नीलू की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो रमन को देख के मुस्कुरा रही थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रमन और रेखा की शादी के एक साल बाद ही उनके रिश्ते में उदासी आ गई थी। रमन कुछ दिनों से इस रिश्ते के बोझ से दबा जा रहा था। माँ और बाबूजी के जोर देने पे उसने रेखा से शादी तो कर ली थी, पर वो नीलू को नहीं बुला पा रहा था, नीलू उसकी प्रेमिका। आज रमन को ऑफिस में बैठे बैठे नीलू से अपनी पहली मुलाकात याद आ गई थी कि वो कैसे एक दिन उसको अन्ना की रेहड़ी पे मिल गई थी। अब आगे, एक तो भूख, उस पे गरम गरम ऑमलेट, रमन को तो मनमानी मुराद मिल गई थी। अन्ना चुपचाप खड़े रमन और नीलू को खाते हुए देखते रहे। नीलू ने वादे के मुताबिक बर्तन साफ करके रख दिए। अन्ना का शुक्रिया अदा करते हुए नीलू ने कहा था, कितने पैसे हुए? इनका एक ऑमलेट अलग था। 40 रुपए, अन्ना ने जवाब दिया। नीलू ने अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला और फिर परेशानी से यहां वहां देखने लगी। ओ माई गॉड, मेरा पर्स लगता है भूल गई। रमन ने नीलू को परेशान होते देखा तो खुद ही बोल पड़ा, आप परेशान मत हो, मैं पैसे दे दूंगा। नहीं मेरा मतलब है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा कभी कभी, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको पैसे लौटा दूंगी, नीलू ने रमन से कहा। अरे ऐसी कौन सी बड़ी रकम है, सोच लूंगा कि आपकी ऑमलेट की बनवाई दे दी। नीलू मुस्कुरा दी, फिर भी जिद करके उसने रमन का नंबर लिया और चली गई। उसके जाने के बाद रमन सोचता रहा कि कितनी पागल लड़की है। अगली सुबह नीलू का फोन आया। हेलो, वो अंडे के पैसे देने थे, आप कहाँ रहते हैं? रमन ने घड़ी देखी, सुबह के 6 बज रहे थे। उसने आंखें मलते हुए कहा, इतनी सुबह? अरे कर्जा जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा, मैं जॉगिंग करने जा रही थी, सोचा आपको आपके पैसे देती चलूं, आपको जरूरत होगी। रमन को हंसी आ गई। नहीं, इस वक्त उसको 40 रुपए की जरूरत नहीं थी, वाकई पागल लड़की है ये, रमन ने पता बता दिया। न जाने कितने दिनों के बाद रमन ने सुबह देखी थी, मुंबई की सुबह। चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थीं। कमरे की खिड़की खोल के रमन ने बिस्तर ठीक ठाक किया, फटाफट से अखबारों और मैगजीनों के ढेर को टेबल के नीचे खिसका दिया। लड़कों के कमरे अक्सर किसी लड़की के आने पे ही साफ होते हैं। रमन चाय चढ़ा आया था। सुबह उठ के अगर उसको चाय ना मिले तो उसकी आंख ही नहीं खुलती। वो अभी किचन में ही था कि डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो नीलू खड़ी थी बाहर, हल्का गुलाबी रंग का जॉगिंग सूट, कानों पे ईयरफोन और बालों की एक पोनी ऊपर की तरफ बंधी हुई। पसीने से उसकी टी शर्ट गीली हो गई थी, खूबसूरत लग रही थी वो। नीलू ने रमन को देखते ही एक जोरदार स्माइल दी और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रमन ने कहा, अरे इतनी सुबह परेशान होने की क्या जरूरत थी, कभी और दे जाती। नहीं दोस्त, कभी का तो पता नहीं, सो अभी ले आई, ये ले लो और शुक्रिया। 20 रुपए के वो दो नोट पसीने से गीले हो गए थे। रमन ने उनको लेते हुए कहा, अरे आप शर्मिंदा मत कीजिए, आप ना होती तो मुझको कल भूखा सोना पड़ता। चाय पियेंगे आप? रमन ने पूछा। जॉगिंग के बाद आप चलेंगे? चलिए बहुत मजा आएगा। रमन को सोचने का मौका भी नहीं दिया था नीलू ने, कुर्ते पैजामे और हवाई चप्पल में ही जाना पड़ा था रमन को। अचानक से आए इस दोस्त ने इतने अधिकार से कहा था कि रमन मना नहीं कर पाया। शहर में अकेलेपन से जूझते रमन के लिए इतना काफी था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ
92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रेखा और अपने रिश्ते से परेशान रमन अपनी प्रेमिका नीलू के बारे में सोचने लगा कि वो उससे कैसे मिलता था। रमन ऑमलेट के पैसे चुका के घर आ गया था। उसको तो पता ही नहीं था कि वो लड़की नीलू उधार के पैसे लौटाने के लिए सुबह ही दस्तक दे देगी। अकेलेपन ने उसको एक दोस्त दे दिया था। अब आगे नीलू के साथ बिताई वो सुबह रमन कभी भूल नहीं पाया। वापस आके दोनों ने चाय पी और ढेर सारी बातें की। बातों ही बातों में पता चल गया कि नीलू के पापा पूना के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मम्मी बचपन में ही गुजर गई थी। तुम रहती कहाँ? जहां दिल चाहे, नीलू बोली। मतलब? मतलब ये कि मम्मी के गुजरने के बाद पापा किसी दूसरी औरत को घर ले आए। तब से मेरा घर छूट गया। नीलू की आंखों में आंसू भर आए थे। कितनी रहस्यमयी लड़की है ये, पूरा का पूरा तूफान लिए घूमती है अपने अंदर और इसके चेहरे पर तूफान की एक लहर तक नहीं दिखाई दी। उस दिन से नीलू अक्सर रमन के पास आ जाती और जिस दिन नहीं आती तो रमन उसके फ्लैट पर चला जाता। नीलू के ना मिलने पर रमन बेचैन हो जाता था। वो प्यार करने लगा था नीलू से। एक बार नीलू दो दिन तक नहीं आई थी। मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। फ्लैट पे पहुंचने पे उसकी एक रूममेट ने बताया, आप नीलू को खोज रहे हैं? मैं पिछले 5 साल से उसको खोज रही हूं। जानते हो रमन, इतने सालों में एक तुम ही हो जिससे वो इतना घुल मिल गई है। नहीं तो उसका पता भी कहां रहता है, वो तो एक आजाद हवा के झोंके की तरह है। अरे ये मैं क्या बताने लगी, आप परेशान मत हो, वो आ जाएगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। ठीक एक दिन बाद वो आ गई। सबसे पहले रमन के पास पहुंच के उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया। जानते हो रमन, उन बौद्ध भिक्खुओं के साथ अजंता एलोरा की गुफाएं एकदम जिंदा हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध के साथ बैठ के सब शून्य में पहुंच गए हों। बोल के नहीं जा सकती थी, मैं पागलों की तरह तुम्हें यहां वहां खोजता फिर रहा हूं, रमन ने गुस्से में कहा था। पर नीलू ने कोई जवाब नहीं दिया था, चली गई थी वहां से। शाम को आई तो आते ही बोली, अब तक मुंह चढ़ाए बैठे हो, चाय पियोगे? नीलू, मैं कल घर जा रहा हूं पिताजी से तुम्हारी बात करने। कैसी बात रमन? शादी की और कैसी? पर ये किसने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूं? रमन को कुछ तो अंदाजा था कि नीलू से यही जवाब आएगा। नीलू ने चाय कपों में डाली और रमन के पास आके बैठ गई। बोली, रमन जानते हो, प्यार को अगर बांध दो तो वो रुक जाता है और मैं अपने प्यार को बांधना नहीं चाहती। तुमसे प्यार करती हूं पर जरूरी तो नहीं है कि शादी ही उसका एकमात्र पड़ाव हो। पर मैं क्या करूं, रमन ने कहा। तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो रमन। रमन के पास न कोई जवाब था न ही कोई सवाल। नीलू का ज्यादातर समय अब रमन के साथ ही गुजरता था। एक दिन उसने समंदर के किनारे लेटे लेटे कहा था, रमन ये बादल सफेद क्यों है? मुझको हरे पसंद नहीं आए इसलिए मैंने सफेद पेंट कर दिए। खिल खिला के हंस पड़ी थी वो। फिर रमन की तरफ देख के बोली, रमन अगर मैं चली गई तो क्या करोगे? सुसाइड तो नहीं करूंगा, रमन ने कहा। सच में रमन ने सुसाइड ही नहीं की थी और सब तो हो गया था। नीलू का कोई सुराग नहीं मिल रहा था रमन को। 4-5 महीने कितनी बेचैनी में कटे थे। मां और पिताजी ने जोर दिया तो रेखा से शादी के लिए भी राजी होना पड़ा था उसको। रमन ने सोचा था कि शायद शादी के बाद नीलू की याद कुछ कम हो जाए, पर इसका उल्टा हुआ था। उसको नीलू हर पल सताने लगी थी। ऑफिस की घड़ी के घंटे की आवाज से रमन को झटका सा लगा। यादों के सफर से वापस आ गया था वो। उसने ठान लिया था कि आज वो रेखा को जाके सब कुछ साफ साफ बता देगा, फिर चाहे कुछ हो जाए। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रेखा और नीलू के बीच फंसा रमन कितना बेचारा महसूस कर रहा था। एक तरफ उसकी पत्नी थी और एक तरफ उसकी मोहब्बत। उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वो आज जाके अपनी पत्नी रेखा को सब बता देगा नीलू और अपने बारे में। इस बोझ के साथ वो और नहीं रह सकता।
अब आगे। घर पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी। दरवाजा खोला। रेखा अब तक जाग रही थी। अरे अब तक जाग रही हो, रमन ने रेखा को देख के कहा। रेखा ने रमन के हाथों से बैग लिया और बोली, देर तक आपका इंतजार करती रही, सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई, और अभी चाय बनाने ही जा रही थी कि आप आ गए। आप पियेंगे चाय? रमन ने हां में सर हिला दिया। वो सोच नहीं पा रहा था कि रेखा से अभी बात करूं या सुबह। बात करके भी जो होना है उसका अंदाजा तो उसको था ही। रेखा थोड़ी देर में चाय बना के ले आई। चाय कप में निकालते हुए उसने कहा, आप कुछ दिनों से बुझे बुझे दिख रहे हैं, क्या बात है? कुछ नहीं, वो कुछ तो बता दीजिए, इतना उतरा हुआ चेहरा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रेखा ने रमन के दाएं कंधे पे हाथ रखा और रमन की आंखों में देखा। कभी कभी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। रमन ने आहिस्ता से कहा, रेखा अगर मैं कहूं कि मेरी जिंदगी में कोई और लड़की, मतलब, इतना कह के रमन के होंठ बंद हो गए। रेखा ने आराम से चाय की एक चुस्की ली और बोली, वो एन अल्फाबेट वाली? रमन को तो जैसे घिग्गी बन गई हो, उसने लड़खड़ाते शब्दों में कहा, नीलू का तुमको कैसे पता? नीलू नाम तो आपसे सुना, मैं तो एन से ही जानती हूं उसको। आपके दराज में कुछ पुराना सामान था, एक दिन सफाई करते वक्त उसमें कुछ चीजें मिली थी, एक भगवान बुद्ध की स्टैचू थी, एक रुमाल, पुरानी गजलों की एक किताब और कुछ खत। कुछ चीजें और भी हैं, सब पे एन ही तो लिखा हुआ है। नीलू ने इतने आराम से सब कह दिया, न उसके चेहरे पे कोई तनाव था न कोई शिकवा। रमन ने पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? और तुमने कैसे पहचाना कि ये चीजें मेरी गर्लफ्रेंड की हैं? मुझे बुरा क्यों लगेगा? अरे आप चाय तो पीजिए, ठंडी हो जाएगी। अचानक से रमन का ध्यान अपनी चाय पे गया। रेखा ने केतली की चाय रमन के कप में उड़ेल दी। आप पहली बार कब मिले थे उससे? रमन इस सवाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, पर सारा दिन सोचता तो यही रहा था। रमन ने रेखा की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी। रमन ने शुरू किया कि कैसे एक दिन अन्ना की दुकान पे दोनों टकरा गए थे, कैसे वो जॉगिंग के लिए उसके साथ निकल पड़ा। धीरे धीरे पड़ते उतरती गईं, धीरे धीरे रमन का मन हल्का होता गया। रेखा एकदम टिकटिकी लगाए रमन को सुन रही थी। रमन ने बीच में कहा, तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, रेखा बोली, यही कि आप सबसे पहले ऑमलेट बनाना सीख लीजिए। इतना सुन के रमन को हंसी आ गई। दोनों एक साथ खूब हंसे। शादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि दोनों साथ बैठ के बातें कर रहे थे। रमन ने नीलू की सारी बातें खुल के बताई। रमन के मन का लावा पिघलता रहा और रेखा बहुत आराम से सुनती रही। रमन हैरान था, रेखा के इस रूप को उसने कभी नहीं देखा था। हंसते हुए रेखा बहुत अच्छी लग रही थी। लापरवाही से डाला गया उसका पल्लू एक तरफ सरक गया था। रमन ने रेखा से कहा, आई एम सॉरी रेखा, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाया। वो प्यार मुझको आप दे भी कैसे सकते हैं? मैं आपकी पत्नी हूं, प्रेमिका नहीं। इतना कह के रेखा खड़ी हो गई, बोली, आप और चाय पियेंगे? मैं बनाने जा रही हूं। रमन को लग रहा था जैसे आज उसकी मुलाकात एक दूसरी ही नीलू से हो गई, उतनी ही पागल, उतनी ही बेखौफ। रमन को अच्छा लग रहा था उससे बातें करके, और बातें करने का मन भी कर रहा था। उसका ही तो पागलपन था कि उसने कभी रेखा को समझने की, उससे बात करने की कोशिश ही नहीं की। रेखा चाय ले आई थी। उसने रमन से कहा, चलो खिड़की पे खड़े होते हैं। दोनों उठ के खिड़की पे चले गए। सुबह ने दस्तक दे दी थी। रेखा के खुले बाल हवा के झोंके से उड़ के रमन के चेहरे पे खेल रहे थे। रमन ने रेखा के कंधे पे हाथ रख दिया। एक ही दिन में उनकी सोच कितनी बदल गई थी, और वो सोच रहा था कि कोशिश करने से रिश्ते भी बन जाते हैं, और वो ये कोशिश जरूर करेगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।